अच्छा ध्यान से देखो, क्वेश्चन इस तरह का कहते हैं कि जी एक ऑब्जेक्ट है 50 केजी का, ठीक है, या कि कार है 50 केजी की, उसने ना 5 सेकंड में अपनी वेलोसिटी 0 से 10 मीटर पर सेकंड कर ली, ठीक है। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि बॉडी का, अगर आप ध्यान से समझो, ये बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, ये बॉडी की फाइनल वेलोसिटी है ना। अगर आप इसको मास से मल्टीप्लाई कर दो यहीं पे, तो ये बॉडी का क्या बन जाएगा, इनिशियल मोमेंटम, और ये बॉडी का फाइनल मोमेंटम चेंज हो रहा है ना। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब मोमेंटम चेंज हो रहा है। अच्छा मोमेंटम चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या लग रही है उसके ऊपर, अनबैलेंस फोर्स लग रही है, हाँ या ना? यस सर। अब आपसे उन्होंने वही अनबैलेंस फोर्स पूछी। मैंने आपको कल एक तरीका बताया था कि न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि भाई किसी भी बॉडी का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, अनबैलेंस फोर्स के बराबर होता है। और हमने कल से वहां से एक मैथमेटिकल फॉर्म भी निकाली थी, एफ इज इक्वल टू एम ए। अच्छा आप इसको ये भी यूज कर सकते हो, आप एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इसी से ये बना हुआ, कोई डिफरेंस नहीं है। फिर हमने इसी फॉर्मूला से ये फॉर्मूला ड्राइव करा था जब हमने t की वैल्यू m v माइनस u डाली थी अपॉन t, और इसी को हमने क्या बोला था, a, हाँ या ना? Yes, sir. तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा कौन सा यूज करना चाहेंगे, m इक्वल टू m a? Yes. अच्छा तो वो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता, कहता कि अगर आपको बॉडी के ऊपर लगने वाली अनबैलेंस फोर्स निकालनी है, टोटल अनबैलेंस फोर्स निकालनी है, तो आप क्या करें, बॉडी के मास को बॉडी के एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दें। अब हमें बॉडी का मास तो पता है 50 केजी, पर बॉडी की एक्सेलरेशन नहीं पता। अच्छा एक्सेलरेशन कैसे निकाली जाती है, v माइनस u अपॉन t नहीं सुनना मेरे को, बेटर वे को सुनना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, कितना टाइम में वो चेंज हो गई, ये एक्सेलरेशन का फार्मूला। अच्छा अब फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 10, इनिशियल कितनी है 0, अपॉन टाइम कितना लगा 5। अगर 10 माइनस 0 10 ही आ जाएगा, हां या ना? यस सर। तो ये कटिंग होके यहाँ पे कितना आ गया 2। अब हमारी जो एक्सेलरेशन है वो हमने निकाली कितनी आई 2 मीटर पर सेकंड से। अब न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं, हमने मास ऑफ द बॉडी को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, एक्सेलरेशन से, हमारे पास क्या आ जाएगी अनबैलेंस फोर्स, और वो कितनी आई 100। यूनिट्स क्या आएंगे, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह हमने एक यूनिट बनाए थे, क्योंकि हमें फोर्स को इतनी बार अपनी जिंदगी में मेंशन करना पड़ता है कि हमने उसके एक छोटा यूनिट बना लिया, मतलब उसका हमने शॉर्ट फॉर्म बना ली, क्या न्यूटन, क्या बना ली न्यूटन, समझ आ गई बात, आ रहा है ना? यस सर। क्लियर हो गया, तो हमारी पहले क्वेश्चन में आंसर क्या आया 100 न्यूटन। अच्छा यहां से ना लग गया, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं, फोर्स के यूनिट्स हैं न्यूटन, फोर्स के यूनिट्स हैं न्यूटन है ना, क्या आप मेरे को 1 न्यूटन फोर्स बता सकते हो, कैसे डिफाइन करोगे आप 1 न्यूटन फोर्स, कैसे डिफाइन करोगे, हाउ विल यू डिफाइन 1 न्यूटन फोर्स? हाँ जी मैं आपको बोल रहा हूँ कि 1 न्यूटन फोर्स को डिफाइन करो, कैसे करो, देखो बेटा जब भी आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी को 1 डिफाइन करना है ना, इधर देख लो सारे, जब भी आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी को 1 डिफाइन करना होता है, जैसे यहाँ पे फोर्स को 1 न्यूटन डिफाइन करो, तो आप सबसे पहले जाइए उसके फॉर्मूला पे, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या अभी हमने बोला F is equal to ma, हाँ या ना? Yes. अब जहां पे आपको फोर्स दिख रही है मैंने वहां पे 1 न्यूटन डाला, हाँ या ना? अच्छा LHS में 1 रखने के लिए RHS में भी क्या होना चाहिए 1, तो यहाँ पे मास की वैल्यू डाल दी मैंने 1 kg और एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने डाल दी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बस आपको इसको रीड करना आना चाहिए। अब इसको मैं रीड कैसे करता हूँ, मैं अपना तरीका बताता हूँ, कहते कि देखो जी 1 न्यूटन फोर्स इतनी फोर्स होती है, मैंने अगर बोला कि बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लग रही है, इसका मतलब क्या होगा, 1 न्यूटन फोर्स इज दैट फोर्स व्हिच कैन एक्सेलरेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 केजी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं इसको सिंपल सरल भाषा में बोलूं तो 1 न्यूटन फोर्स अगर आप 1 केजी बॉडी के ऊपर लगा दोगे तो उस 1 केजी की बॉडी में एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हां या ना? यस सर। क्लियर आगे बात, तो 1 न्यूटन फोर्स को कैसे डिफाइन करना, इट इज दैट मच फोर्स which can accelerate a body of 1 kg with 1 meter per second square. Clear है? कभी-कभी पूछने जाता है कि ताऊ जी 1 न्यूटन फोर्स कितनी होएगी? 1 न्यूटन फोर्स कितनी होएगी? समझ आ गया? तो 1 kg की बॉडी अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रही है तो उसके ऊपर लगे होने वाली लगे जाने वाली फोर्स कितनी कहलाएगी? 1। समझ आ गया? ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन किससे हो चुका है? मतलब ये वाला क्वेश्चन किससे हो चुका है? हाथ खड़े करो। एंड किससे नहीं हुआ? नहीं हुआ। ये क्या मेरे को जितने हुए और जितने नहीं हुए दोनों बराबर क्यों लग रहे हैं? चलो
calculate the force needed to speed up a car with a rate of 5 meter per second square if the mass of the car is 1000 kg. अच्छा मुझे सबसे पहले ये बताओ, इधर देखो सारे हाथ खड़े कर रहे हैं, ये चीज क्या दे रखी है, इसको बता। एक्सेलरेशन। ये चीज क्या दे रखी है? एक्सेलरेशन। ये चीज क्या दे रखी है? मास। आपको एक्सेलरेशन दे रखी है और मास दे रखा है और आपसे बॉडी के ऊपर लगने वाली फोर्स दे पूछी जाए, तो आप क्या करोगे? न्यूटन का सेकंड लॉ लगाएंगे। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? अगर आप किसी बॉडी के मास को उसके एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या देगा? आपको उस बॉडी के ऊपर लगे जाने वाली नेक्स्ट फोर्स देगा। हाँ या ना? यस सर। तो इस बॉडी का मास कितना है? 1000 केजी। और बॉडी में एक्सेलरेशन कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। ये कितना हो गया? 5000 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको अपन क्या बोल देते हैं? न्यूटन। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 5000 न्यूटन। समझ आ गई बात? क्वेश्चन को मुझे हिंदी में समझा सकता है? तो क्वेश्चन को मेरे को हिंदी में समझा सकता है? हाँ जी, हाँ गरिमा। बॉडी पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन लग रही है। लग रही है? एक्सेलरेशन होती है। एक्सेलरेशन हो रही है। होती है? होती है। और साथ में उस पे फोर्स लग रही है 10 न्यूटन। नहीं, मैंने बोला था समझा मैं। जैसे मैं ऐसा टीचर आप लोगों को समझाता हूँ, वैसे आज तुम लोग मेरे टीचर बन के मुझे समझाओ इस क्वेश्चन का क्या, क्वेश्चन से क्या समझ, मुझे समझाओ इस क्वेश्चन। हाँ गौरी, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है अगर किसी बॉडी को आपको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करवाना है तो आपको उस बॉडी को फोर्स लगानी पड़ेगी 10 न्यूटन। बॉडी का मास बताओ, फिर डायग्राम बनाया। ये हमने बॉडी मान ली किसी एम मास की, आया ना? हमने जैसे ही इसके ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, बॉडी एक्सेलरेट करने लगी कितने से? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि भाई बॉडी के मास को बॉडी के एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो, आपको उसके ऊपर लगने वाली फोर्स पता लग जाएगी। ठीक है, तो मास तो m ही है, एक्सेलरेशन 2 है और फोर्स 10 है। तो यहां से मास को एक तरफ रखा, फोर्स के नीचे हम एक्सेलरेशन को ले गए, कितना आ गया? 5 यूनिट्स के आएंगे। बिल्कुल सही, 5 kg। क्लियर होगी बात? मास कितना आया? 5 kg। कितना रखा था यार ये क्वेश्चन? क्या कर रहे हो तुम लोगों से, ये क्वेश्चन नहीं हो रहा। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन, किससे हुआ किससे नहीं हुआ, किससे हुआ पहले हाथ खड़े करो, करो फिर भाई। देखते इतने तो थोड़ा होना चाहिए था, मैं आप करवा रहा हूँ, किससे नहीं हुआ वो देख लो। अकार ऑफ मास, अकार ऑफ मास ऑफ 1500 kg, ये क्या दे रखा है? मास। अचीव वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड फोर्स to attain the, calculate the required force to attain the required speed. अच्छा यहाँ पे यहाँ देखो, कहते हैं, अब क्वेश्चन को हिंदी में समझा, कहते हैं कि एक कार है जिसका मास है 1500 kg, उसने स्पीड अचीव करी कितनी? 5 मीटर पर सेकंड की। कितने सेकंड्स में? 10 सेकंड। कहते बताओ इंजन ने कितनी, मतलब उस गाड़ी के ऊपर कितनी फोर्स लगी होगी कि उसने ये स्पीड रिक्वायर करी। अब आपको यहाँ पे ये नहीं बताया है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी कार की, तो आप कितनी मान के चलोगे? यस, तो आप इस क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी मान के चलो 0, तो फाइनल वेलोसिटी में दे रखी कितनी? 5 मीटर पर सेकंड। हमें टाइम दे रखा कितना? 10 सेकंड। तो इन तीन डाटा से आप क्या निकाल सकते हो? एक्सेलरेशन निकाल लो, v माइनस u अपॉन t, 5 माइनस 0 अपॉन 10, 5 बाय 10 कम्स आउट टू बी हाफ। अच्छा हाफ की वैल्यू कितनी होती है? 0.5 यूनिट्स आएंगे मीटर पर सेकंड। अच्छा अब बॉडी का कहां से मास ढूंढो, कितना दे रखा है? 1500 kg। ठीक है, अब क्या रह गया? उसके ऊपर लगाई जाने वाली फोर्स कैसे निकलेगी? मास को मल्टीप्लाई कर दो एक्सेलरेशन। अच्छा तो ये आ गया 1500 × 0.5। अरे एक बात बताओ, अब एक मैथमेटिक्स की बात करता हूँ, जब हम किसी नंबर को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, आप उसका हाफ कर दो। 0.5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है? हाफ करो। समझ आ गया? मतलब अगर मैं 10 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा? 100 को कर रहा हूँ कितना आएगा? 50। अगर 1000 को कर रहा हूँ तो 500, 1500 को करेंगे तो 750।
यूनिट्स क्या आएंगे? न्यूटन। अच्छा एक अब एक क्वेश्चन सुनो ध्यान से, ये जो फोर्स आई, क्वेश्चन का आंसर सुनना, क्या ये एक लौती फोर्स होगी जो बॉडी के ऊपर लग रही होगी, क्या ये जरूरी है? एक चलती हुई कार के ऊपर आपको क्या लगता है कौन कौन सी फोर्सेस लगती होंगी? ये एक कार चल रही है, ठीक है, ये इसके डायरेक्शन ऑफ मोशन। मुझे बताइए इस कार के ऊपर क्या लगता है आपको कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी? किधर लगती है? ग्रेविटी के कारण नीचे को वेट नाम की फोर्स लग रही होगी। अच्छा अब क्या क्या इस वेट के कारण नीचे जा रही, इसका मतलब नीचे से फोर्स लगती है बेटा, उसको हम बोलते हैं रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। समझ आ गए? इन दोनों ने दूसरों को क्या कर दिया? अच्छा समझो। अच्छा और वो किधर लगेगी? तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स को स्मॉल एफ डिनोट करते हैं, ठीक है, गाड़ी तो आगे जा रही है, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स इन द सेम डायरेक्शन। देखो गाड़ी इधर जा रही है, आपने फ्रिक्शनल फोर्स बता दी, ठीक है, अगर फ्रिक्शनल फोर्स अकेली थी तो गाड़ी को लेकर जाना चाहिए था, पर गाड़ी इधर जा रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इंजन फोर्स लगा रखी इधर ऑपोजिट डायरेक्शन में, हमने मान ली कैपिटल एफ। अब मुझे सिंपल सी बात बताना, ये एफ क्या स्मॉल एफ से छोटा होगा, बड़ा होगा या बराबर? सुनो ध्यान से, हाँ मैंने बोला ये है, ये सिंपल पॉइंट बोल, ये गाड़ी के इंजन की फोर्स जो गाड़ी के ऊपर आगे को लगेगी, ये गाड़ी के ऊपर लगे जाने वाली फ्रिक्शन फोर्स जो गाड़ी के ऊपर कौन लगा रहा है? रोड लगाती है, कौन लगाती है? रोड। इन दोनों की तो बात ही ना करो क्योंकि गाड़ी इधर जा रही है ना, तो हम इन इसी डायरेक्शन की फोर्सेस को देखेंगे, गाड़ी इधर जा रही है तो ये गाड़ी के इंजन की फोर्स कैपिटल है, ये गाड़ी के ऊपर लगे जाने वाली फ्रिक्शनल फोर्स गाड़ी के टायर लगा, इन दोनों की तो बात ही ना करो, इन दोनों ने दूसरे को बैलेंस कर दिया। मैंने आपसे ये पूछा ये एफ कैपिटल एफ स्मॉल एफ से छोटा होगा, कैपिटल एफ स्मॉल एफ से बड़ा होगा या कैपिटल एफ स्मॉल एफ के बराबर, इन तीनों में से कौन सी कंडीशन हो सकती है? सेकंड। चलो ये तो आपने बिल्कुल ठीक जज कर दी, अब मैं बोल रहा हूँ इन दोनों में से एक और ठीक होती है, यस इक्वल भी हो सकती है, ये नहीं, अगर ये होगा ना तो क्या होगा? अगर ये होगा तो क्या होगा? ये होगा तो बेटा मोशन ही नहीं होगा, समझ आ गई? इसका मतलब अगर आप एक रुकी हुई चीज को चलाना चाहते हो तो आपको उसके ऊपर पहले अप्लाइड फोर्स लगानी पड़ती है, किससे ज्यादा? फ्रिक्शन से ज्यादा, उसके बाद आप चाहे अपनी अप्लाइड फोर्स को फ्रिक्शन के बराबर कर दो कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे हमारी अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन से कम हुई गाड़ी रुक जाएगी या रुकी हुई गाड़ी बिल्कुल भी चलेगी नहीं, समझ आ गई बात? हाँ या ना? क्लियर होगी बात? तो ये कंडीशन कभी भी नहीं होती, ये कंडीशन कभी नहीं होती, कभी नहीं होती, कभी नहीं होती, क्लियर है? नहीं क्लियर? अच्छा ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रही है पीछे की तरफ 50 न्यूटन, अगर हम 50 न्यूटन की फोर्स आगे लगा देंगे क्या ये ऑब्जेक्ट चलेगा? नहीं चलेगा। अगर मैं 51 लगाऊंगा चलेगा, ये चलेगा। अरे बॉडी को क्या फील होगा, उसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, किधर लग रही है? बिल्कुल सही। अब अगर मैं आपसे पूछूं बॉडी में एक्सेलरेशन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ रही है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ रही है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ रही है, किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ रही है? बॉडी में एक्सेलरेशन, बॉडी में एक्सेलरेशन इसके अकॉर्डिंग आ रही है, इसके अकॉर्डिंग आ रही है, किसके अकॉर्डिंग आ रही है? बेटा 1 न्यूटन के अकॉर्डिंग आ रही है। कारण सुनो, न्यूटन सेकंड लॉ में मैंने आपको कल बताया था m को a से मल्टीप्लाई करने पे जो हमारे पास फोर्स आती है वो कोई इंडिविजुअल फोर्स नहीं आती, वो सभी फोर्सेस का क्या आता है? रिजल्टेंट। क्या आता है? रिजल्टेंट। अब ये फोर्स 1 न्यूटन की इन दोनों का क्या है? रिजल्टेंट। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगी? एक्सेलरेशन। समझ गए बात? यस सर। हां या ना? यस सर। अगला क्वेश्चन देखो भाई किससे हुआ, क्या क्वेश्चन पढ़े हैं जल्दी करो, मैं करवा रहा हूं यार, ठीक है?
A friction force acting on a car is 50 Newton and the car of mass 100 kg accelerates at 2 meter per second square. Calculate the force generated by the car. जिनसे हुआ आंसर बताना 1500 न्यूटन ये है ऋषिका का आगे और किससे हुआ अनु तू कह रही है ऐसे हुआ चलो क्वेश्चन क्या है ये एक कार है जिसका मास है 1000 kg ठीक है ये एक्सेलरेट हो रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्लियर इस कार के ऊपर लगे जाने वाली फ्रिक्शनल फोर्स है 50 न्यूटन क्लियर है हाँ या ना यस सर वो कहते हैं कैलकुलेट द फोर्स जनरेटेड बाय द कार कार ने कितनी फोर्स जनरेट करी वो निकालिए सुनो ध्यान से आपके पास मास है आपके पास एक्सेलरेशन है इन दोनों का कुछ कर सकते हो क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए आपके आपके पास क्या आएगी यस दिस वाज द पॉइंट This was the glitch. आपके पास आपने 1000 को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आ गई 2000 न्यूटन अब एक बात बताओ क्या आपको लगता है कि गाड़ी के ऊपर लगे जाने वाली फोर्स 2000 न्यूटन होगी कितनी होगी क्या किसने बोला गाड़ी वाले बिल्कुल ठीक बोला ध्यान से देखो हमारी गिवन डाटा से हमारी रिजल्टेंट फोर्स कितनी आई रिजल्टेंट फोर्स कितनी आई 2000 न्यूटन ये रिजल्टेंट आया ना आप मान लो कि गाड़ी ने फोर्स कितनी जनरेट करी है x ठीक है तो x माइनस 50 किसके बराबर दे रखा है 2000 तो यहां से x कितना आ गया 2000 प्लस 50 कम्स आउट टू बी 2050 न्यूटन ये किसको समझ आया नहीं आया किसको समझ आया किसको नहीं आया नहीं आया देखो दिख रहा है विजिबल है देखो नहीं विजिबल तो खड़ा होता ओके क्वेश्चन कहते हैं कि एक बॉडी है एक कार है ठीक है सबसे पहली बात तो एक बात मानो मुझे एक बात बताओ अगर गाड़ी इधर जा रही है गाड़ी की डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर है तो मुझे एक बात बता अगर इसमें फ्रिक्शन कितना लग रही हो बोल ले वैसे तो अपनी जुबान बंद होती है अपनी जुबान निकल रही है इधर क्या डायरेक्शन बोल अगर ये आगे है तो कितना लग रही होगी पीछे और अगर मैं डायरेक्शन मोशन इधर मान लूं तो फ्रिक्शन कितना लग रही होगी इस तरह अगर मैं डायरेक्शन मोशन ये मान लूं तो फ्रिक्शन कितना लग रही होगी इधर नीचे सही कह रहा हूं गलत देखो कुकों बताया था ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आगे जाओगे तो पीछे लगेगी पीछे जाओगे तो आगे लगेगी ऐसे उठाओगे तो लगेगी फिर यस फ्रिक्शन क्या है कांटेक्ट फोर्स पॉइंट्स याद हैं पर धीरे-धीरे भूल जाते हो चलो मान के चलो कि बॉडी इधर जा रही है अभी क्या अब डाटा लिखो क्या कहते हैं बॉडी का मास है 1000 किलो क्या 1000 किलो और बॉडी की तरफ भी मान लो बॉडी हमने मान ली इधर जा रही है और बॉडी की एक्सेलरेशन कितनी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो 1000 किलो क्या हो गया बॉडी का मास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बॉडी की क्या होगी एक्सेलरेशन अब न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता कहता बॉडी के न्यूटन का सेकंड लॉ न्यूटन जी का सेकंड लॉ क्या कहता बॉडी के मास को बॉडी के एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आएगा बॉडी के ऊपर लगने वाली रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगी रिजल्टेंट फोर्स समझ आ गया कभी भी मास इनटू एक्सेलरेशन इंडिविजुअल फोर्स नहीं आती समझ आ गया आपने बॉडी के मास को बॉडी के एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दिया आपके पास एक फोर्स की वैल्यू आ जाएगी ये जरूरी नहीं है कि वही फोर्स बॉडी पे लग रही हो सकता है बहुत सारी फोर्सेस लग रही हो तो ये फोर्स क्या कहलाएगी फिर रिजल्टेंट क्या कहलाएगी रिजल्टेंट तो हमने यहां पे 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर आया 2000 न्यूटन ये इस कार के ऊपर लगने वाली क्या आई रिजल्टेंट क्या आई रिजल्टेंट फोर्स अच्छा अब वो बोल रखे हैं कि कार के ऊपर फ्रिक्शन लग रही पीछे कितनी 50 न्यूटन कितनी 50 न्यूटन और बॉडी इस कार के ऊपर रिजल्टेंट अच्छा बॉडी देखो आगे जा रही है अगर कार एक्सेलरेट आगे हो रही है अब याद है मैंने न्यूटन का थर्ड लॉ में एक बात बताई थी अब अगर थर्ड लॉ में नहीं समझ रहा तो अब सुनो बॉडी की जिधर एक्सेलरेशन होगी ना उधर ही उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स लग रही होगी अब बॉडी की एक्सेलरेशन किधर है इधर तो रिजल्टेंट फोर्स भी किधर लगेगी इधर तो इसका मतलब ये जो एफआर लग रहा है वो इधर लग रहा है
हमने मान लिया था कि कार ने अपने इंजन से फोर्स जनरेट करी कितनी x. अब आप खुद सोचो रिजल्ट कैसे निकला होगा. x माइनस 50 किसके बराबर रहा होगा 2000 के. तो गाड़ी के रिजल्टेंट फोर्स है गाड़ी के ऊपर लगने वाली. तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 2000 + 50 comes out to be 2050 न्यूटन. बच्चा क्या करते हैं मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करा और सीधा बोल देंगे 2000 न्यूटन. वो गलत हो जाए. मास को एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई करने से क्या आती है बॉडी के ऊपर लगने वाली रिजल्ट. अब इस गाड़ी ने आगे की डायरेक्शन में कितनी फोर्स जनरेट करी वो कितनी करी 2000. अच्छा पहले समझो ना गाड़ी ने आगे की डायरेक्शन में 2050 न्यूटन की फोर्स जनरेट करी. 50 न्यूटन कौन खा गया फ्रिक्शन. तो बची कितनी 2000. ये तो हमारा आंसर आ रहा था कि नहीं आ रहा था. समझ आ गई बात. हाँ या ना. तो m into a करके बॉडी के ऊपर लगने वाली कौन सी फोर्स आती है कौन सी फोर्स. और ये जरूरी नहीं है मैंने आपको अभी दिखाया ये जरूरी नहीं है कि रिजल्टेंट फोर्स एकमात्र फोर्स हो. समझ आ गया. चलती चीज के ऊपर एक फोर्स हमेशा लगती होती है वो कौन सी होती है फ्रिक्शन. कौन सी होती है फ्रिक्शन फोर्स. समझ आ गई बात पक्का. इन हाउ मच टाइम अ कार ऑफ मास 1000 केजी विल स्पीड अप फ्रॉम 5 मीटर पर सेकंड टू 25 मीटर पर सेकंड इफ 500 न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड. किसका हुआ ये क्वेश्चन. आंसर बोलो 40 सेकंड्स. कितना 40 सेकंड्स. कितना आंसर 40 सेकंड्स. 40 सेकंड. गरिमा 10 सेकंड. हावे 4 सेकंड. अरे भाई मैं डिवाइड करते सीखा. चलो और किसी से नहीं हुआ. ये घंटा निकलने को आ गया अभी तक तुमने क्वेश्चन नहीं किया. इस कार को ना इस पॉइंट पे मान लो कितने केजी की कार दे रखी है 1000 केजी की कार. क्लियर. मैंने 5 मान रहा. अरे मान लो कि इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड. कार आगे बढ़ी इस पॉइंट पे पहुंची और इस पॉइंट पे उसकी स्पीड होगी 25 मीटर पर सेकंड. अच्छा एक बात बताओ क्या शोर और गाड़ी के ऊपर फोर्स लग रही है. क्या तुम लोग शोर और गाड़ी के ऊपर फोर्स लग रही है कैसे कैसे मोशन में रहने के लिए हमेशा फोर्स रिक्वायर्ड होती है. गैलीलियो जी ने क्या बोला था कि यूनिफॉर्म मोशन में रहने के लिए किसी भी तरह की फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है. आप कैसे कह सकते हो कि हाँ इसके ऊपर फोर्स लग रही है. मैंने बोल दिया हाँ इसके ऊपर फोर्स लग रही है कैसे प्रूव करूं. यस दिस वाज द पॉइंट. देखो बॉडी की स्पीड यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड यहाँ पे 25 मीटर पर सेकंड. यार पहले दिन ये बात बताई थी कोई बॉडी रेस्ट से मोशन में आ रही है कोई बॉडी मोशन से रेस्ट में आ रही है किसी बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है किसी बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो रही है किसी बॉडी की शेप और साइज चेंज हो रही है तो उसके ऊपर क्या लग रही है क्या लग रही है. रेस्ट से मोशन में आना मोशन से रेस्ट में आना स्पीड का चेंज होना डायरेक्शन का चेंज होना इसका मतलब बॉडी के ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है अनबैलेंस फोर्स. अगर बॉडी की सिर्फ शेप और साइज चेंज हो रही है तो बैलेंस फोर्स. इतनी तो तुम्हें बातें बताई थी भूल गए. बॉडी की क्या चेंज हो रही है स्पीड चेंज होने का मतलब क्या लग रही है अनबैलेंस फोर्स. क्या ऐसा समझो स्पीड चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन आएगी. अब से जब भी आप एक्सेलरेशन देखोगे तो इंटरनेट यहाँ पे क्या समझेंगे क्या लग रही है अनबैलेंस फोर्स. अनबैलेंस फोर्स क्या लग रही है अनबैलेंस फोर्स. याद करो अनबैलेंस फोर्स में हमने बोला था एक्सेलरेशन जीरो नहीं होती बैलेंस फोर्स में एक्सेलरेशन जीरो होती है ये बोला था ना. तो जब भी एक्सेलरेशन देखोगे तो कौन सी फोर्स आ रही है अनबैलेंस कौन सी फोर्स अनबैलेंस फोर्स. अब इतना तो क्लियर होगा कि हाँ भी इस बॉडी के ऊपर एक अनबैलेंस फोर्स लग रही है ना. अच्छा उन्होंने बता भी रखी है कितने 500 न्यूटन. हाँ या ना. यस सर. तो आप ध्यान से समझो आप बॉडी का मास गिवन है और बॉडी एक्सेलरेट कर रही है आपको ये बताना है कि कितने टाइम में 1000 किलो की एक गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड से 25 मीटर पर सेकंड पे पहुंच जाएगी अगर उसके ऊपर 500 न्यूटन की फोर्स लग रही है. तो गाड़ी के ऊपर लगे जाने वाली फोर्स दे रही थी कितनी 500 न्यूटन. हाँ या ना. तो यहाँ पे कैसे करोगे स्टार्ट कैसे करोगे क्वेश्चन क्या लगाओ. देखो मास गिवन एक्सेलरेशन ठीक है तो मैंने लगाया F is equal to m ठीक है. अच्छा अब a का फॉर्मूला क्या होता है v minus u upon t और यही टाइम तो उन्होंने आपसे पूछा है. तो इस टाइम को मैं ले गया ऊपर फोर्स को मैं ले आया नीचे
तो टाइम इज इक्वल टू क्या आ गया, मास इनटू वेलोसिटी मास इनटू वी माइनस यू अपॉन एफ। अच्छा ये इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका, दूसरा तरीका देखो, आपने एफ इज इक्वल टू एम ए लगा के यहां पहले ए निकाला, कैसे, आपको अनबैलेंस फोर्स दे रखा है, मास दे रखा है, ए आ जाएगा, अनबैलेंस फोर्स कितनी है 500 और मास कितना है 1000, तो 1/2 आ गया, मतलब एक्सेलरेशन कितनी आ गई 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वी माइनस यू अपॉन टी 0.5, हां या ना, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 0.5। अच्छा वी कितना दे रखा है 25 माइनस उसकी वैल्यू कितनी है 5, मैं टाइम को कोई लेके 0.5 को नीचे ले आया तो कितना आ गया यहां पे टी, ये कितना आ गया 20/0.5। अच्छा मैंने आपको क्या बताया था, किसी नंबर को 0.5 से मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर क्या कर देते हैं, डिवाइड करने पे क्या करेंगे डबल, डिवाइड करने पे डबल, समझो ध्यान से, ए को अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हो जाएगा a/2, मतलब अगर 500 है और 0.5 से मल्टीप्लाई करा कितना आ जाएगा 250, तो इसी 500 को अगर हम 0.5 से डिवाइड कर दें ये कितना आ जाएगा 1000, समझ लग गया, ये छोटे छोटे ट्रिक्स ऐसे यूज करनी है मेरे को, समझ आ गई बात। अब आप यहाँ पे 20 को 0.5 से डिवाइड कर दो ना तो आंसर कितना आएगा 40, किसका आया था 10, किसका आया था 40, आंसर ठीक है इसका।